हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन दैट इज बायो विद चिपमंक। सो टुडे वी डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके सो वी स्टार्ट द वीडियो। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का इंट्रो पार्ट हमने पढ़ लिया था, पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते कौन से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर एड्रेनल ग्लैंड, योर पैनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस एंड गोनाड्स। ये सारे आपके किस में आते हैं? ये सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं, इनके अंदर कौन सा केमिकल रिलीज होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, किस चीज में हेल्प करते हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। ओके सो नाउ एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो फंक्शंस होते हैं या फिर इनका जो प्लेस है, कहाँ फाइंड आउट होते हैं ये ग्लैंड्स, ठीक है, वो जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि वेयर द लोकेशन एड्रेनल ग्लैंड आर फाउंड। ओके तो ध्यान से सुनिएगा। द एड्रेनल ग्लैंड आर लाइक कैप्स अबव द किडनी। ये एक होते हैं कैप की तरह, जैसे ये पेन है, मार्कर है, सॉरी पेन नहीं है, मार्कर है ये, तो मार्कर पे ये क्या है, ये इसका कैप है। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो भी किडनी के ऊपर कैसे फिट होता है, लाइक अ कैप, इट इज लाइक अ कैप अबव द किडनी, किडनी के ऊपर एक कैप की तरह ये फिट होता है। ठीक है, ईच एड्रेनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब एक ग्लैंड है, ग्लैंड के भी दो पार्ट्स होंगे, अब इस पार्ट को हमने इधर सेपरेट कर लिया। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है आपका एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड के भी दो पार्ट्स है, एक है आपका कॉर्टेक्स, एक है आपका मेडुला। कॉर्टेक्स मतलब आउटर पोर्शन, और जो अपर पोर्शन है उसे आप क्या बोलोगे, कॉर्टेक्स बोलोगे, और जो इनर पोर्शन है उसे आप बोलोगे मेडुला। ठीक है, सेंट्रल मेडुला, सेंट्रल मेडुला मतलब बीच का पोर्शन, एंड अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स मतलब ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर का जो टॉप पोर्शन है उसे आप क्या बोलते हो, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। ओके सो नाउ एड्रेनल मेडुला। अब हम एड्रेनल मेडुला पढ़ रहे हैं, मतलब उसका अंदर का पोर्शन पढ़ रहे हैं। दो पोर्शन थे, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द सेंट्रल मेडुला, तो अब हम एड्रेनल का मेडुला पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एड्रेनल मेडुला का काम क्या होता है, सिक्रीट्स एड्रेनालिन। जो एड्रेनालिन आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है, हॉर्मोन एड्रेनालिन व्हिच इज सिक्रीटेड इन योर बॉडी इज बाय थ्रू इज द एड्रेनल मेडुला। मेडुला का एड्रेनल पार्ट जो होता है उससे सिक्रीट होता है। ओके अब इस एड्रेनालिन का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एड्रेनालिन, अ हार्मोन विच प्रिपेयर्स द बॉडी टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन। ये एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी को क्या करता है, तैयार करता है, प्रिपेयर करता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। अगर आपको फाइट करनी है उस सिचुएशन में, तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको उस सिचुएशन से भागना है, तो उस चीज से भी आपकी बॉडी को क्या, आपके ब्रेन को बताने के लिए कि मुझे अब इस सिचुएशन से भागना है तो भागो यहां से, तो वो कौन बताता है, वो एड्रेनल बताता है कि या तो इसको फाइट करो, मतलब या तो इस चीज से आप फाइट करो जो भी आपके सामने डेंजर है, या फिर इस चीज से आप भाग जाओ। ठीक है, तो ये आपको सेंसेशन किससे पता चलती है, सारे एड्रेनालिन से। एड्रेनालिन किससे सिक्रेट होता है, एड्रेनल मेडुला से। ओके और जब आप इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एड्रेनालिन होता है, ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगता है बॉडी में। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा आपकी बॉडी में क्या होगा, एड्रेनालिन रश होगा। ओके उसका एक सिंपल सा एग्जांपल यही हो सकता है दैट इफ यू लाइक समवन इन योर स्कूल और एनीवेयर वेयर यू वर्क और एनीवेयर, ओके एनीवेयर मतलब कहीं पर। ठीक है, तो या तो दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आप उससे जाके बात करो, ठीक है, यू हैव टू फेस द सिचुएशन, यू हैव टू फाइट फॉर द सिचुएशन, या फिर वहां से 9 to 11 हो जाओ, कल्टी मार जाओ। ठीक है, तो दोनों में से एक ही सिचुएशन होगी, तो दोनों सिचुएशन होगी, यानी कि या तो फाइट करो, या तो अपने फियर को फाइट करो कि आपको उससे जाके बात करनी है, या आपको उससे जाके हाय हेलो बोलना है, तो वो आपके अंदर फियर ही तो है कि पता नहीं वो क्या सोचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन ये एक सिचुएशन ही तो है कि आपको अपने फियर से फाइट करना है। ठीक है, उस टाइम में भी आपका एड्रेनालिन क्या होगा, सिक्रीट ज्यादा होगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट फियर रहेगा, ओ अगर उसने मना कर दिया तो, ओ अगर उसने बात नहीं की तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, या फिर क्या करना, जैसे वो एंटर किए रूम में या जहां कहीं पर भी आप हो, तो क्या करना, उसको देख के भाग जाना। ठीक है, इन दोनों में से एक ही केस होगा। ओके तो एड्रेनालिन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एड्रेनालिन कैसे फंक्शन करता है, क्या इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पे, वो देखते हैं। इट इंक्रीजेस हार्ट बीट अकंपनीड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये क्या करने लगता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज करने लगता है, आपको एक्चुअली में आपकी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। ठीक है, धुक 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 ऐसा सुनाई देने लगती है। तो अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
एंड सेकेंड इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई. अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स आपका जो ब्लड है उसका जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इट इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू द मसल्स. मसल्स में सप्लाई को वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. वही जो आपकी स्किन और विसरल ऑर्गन्स में जो आपके सप्लाई होगा उसको कम कर देगा. बिकॉज उस समय आपकी मसल्स को ज्यादा ब्लड चाहिए. जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल आप लो, जब आप स्टेज पे होते हो, जब आपको कुछ बोलना होता है तो क्या होता है, आपका गला सूखने लगता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आप एकदम पेल हो जाते हो. वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि पता नहीं मुझे मैं कैसा बोलूंगा, क्या बोलूंगा. तो ये सारी चीजें होने लगती है उस टाइम पे भी. वो भी क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है बॉडी के लिए. बिकॉज आपने कभी फेस नहीं किया है कि स्टेज पे खड़े होके बोलना, तो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है कि आपको खड़े होके बोलना है. उस टाइम पे भी क्या होगा, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, आपके हाथ जो है वो थोड़े बहुत शेक तो करेंगे. ठीक है, और उस टाइम पे भी क्या होगा, आपका जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपकी मसल्स में इंक्रीज होगा एंड आपके जो स्किन और विसरल ऑर्गन है उसमें से डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और मोर ग्लूकोज, ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा बाय द लिवर. लिवर क्या करेगा, ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा और उसे ब्लड में प्रोवाइड करेगा. बिकॉज आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिससे आपको फाइट करना है, और फाइट के लिए आपके बॉडी को, आपके सेल्स को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए. तो उस टाइम पे लिवर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज क्या करेगा, बनाने लगेगा. जब भी कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है, आप इमरजेंसी सिचुएशन से जब बाहर आते हो, कोप अप करते हो, तो क्या होता है, आपको सडनली भूख लगने लगती है ना. वो इसीलिए लगने लगती है बिकॉज जो लिवर होता है ना, वो उसने अपना सारा काम कर लिया होता है, उसने मोर जितना ग्लूकोज बना सकता था वो ग्लूकोज बना के आपको दे रहा होता है. बिकॉज जितना ज्यादा आपके पास फ्यूल होगा, इंजन में जितना फ्यूल होगा उतना एफिशिएंटली वो वर्क करेगा ना. तो इसीलिए लिवर अपना काम करता है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बना के देता है, और बाकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और आपका ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है. ये फंक्शन है आपके आपके एड्रेनलिन के. ठीक है, एड्रेनलिन विच इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.